फिर से चर्चा का मुद्दा बन चुका है। राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने एक और जुबानी बम फोड़ते हुए इशारा किया है कि वो ही राजस्थान के सुपर सीएम हैं। झुंझुनू के कोटा गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजेंद्र गुढ़ा ने कहा कि 70 साल में उदयपुर वाटी से कोई मंत्री नहीं बना, लेकिन वो दो बार विधायक बने और दोनों ही बार मंत्री भी बन गए। अब तो स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री बुला रहे हैं, कभी अजय माकन बुला रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूं कि कल आऊंगा, परसों आऊंगा। इससे पहले उन्होंने अपने भाई पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे कहने से उदयपुर वाटी के लोगों ने कॉलेज में पर्दे वाले छात्र को एमएलए बना दिया। जिस छात्र को गांव के नाम नहीं पता थे वो 15,000 वोटों से चुनाव जीता। बोलते बोलते राजेंद्र गुढ़ा ने अनूठा ज्ञान भी लोगों को दे डाला। गुढ़ा ने कहा कि कुंभार राम लिफ्ट कैनाल योजना के तहत उदयपुर वाटी विधानसभा में 850 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये पैसे इतने पैसे हैं कि यदि 407 ट्रक में 2,000 की गड्डियां भी रखवाई जाएं तो ट्रक में जगह कम पड़ जाएगी। तो राजेंद्र गुढ़ा का बयान एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने अपने आप को सुपर सीएम के तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि दो बार विधायक बना, दोनों बार मंत्री बना, और उन्होंने इस दौरान कई और उदाहरण भी दिए। तो राजेंद्र गुढ़ा का ये जुबानी बम, उन्होंने कहा कि अब तो मुख्यमंत्री बुलाते हैं, पीसीसी अध्यक्ष बुलाते हैं, अजय माकन बुलाते हैं, मैं नहीं जाता हूं, मैं समय देता हूं। मुख्यमंत्री जी बुला रहे, अजय माकन बुला रहे, अरे बार बार बुला रहे। अरे भाई का कहा लगो परसों होंगे मुख्यमंत्री, तो ये आपका आशीर्वाद है कि मेरे कहने से आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ने वाले इस लड़के को मेरे कहने से एमएलए बना दिया। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर